नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है निक्यानी फैक्ट्स में। दोस्तों, मिश्री और चॉकलेट से भरी इस दुनिया में तुम मेरे गुड़ हो। आज मैं आपके साथ गुड़ के बारे में कुछ तथ्य साझा करने जा रही हूँ। विश्व का लगभग 70% गुड़ उत्पादन भारत में होता है। जैगरी, जिसे गुड़ ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, गन्ने के रस या खजूर के रस से प्राप्त होता है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। कच्ची चीनी ब्लॉक बनाने के लिए खजूर के रस और गन्ने के रस दोनों को आसुत किया जा सकता है, जिसे गुड़ के रूप में जाना जाता है। क्या आपको पता है गुड़ सबसे पहले किसने बनाया? विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिण भारत में 1600 के अंत में पोर्चुगीज द्वारा गुड़ की खोज की गई थी और इस तरह यह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। गुड़ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तेलंगाना राज्य में कामारेड्डी क्षेत्र, जो अपने गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसान प्राकृतिक कृषि प्रक्रियाओं द्वारा गन्ना उगाते हैं। गुड़ को अलग अलग भाषा में कैसे कहते हैं? इंडिया गुर, कोलंबिया पनेला, मेक्सिको पिलनसिलो, कोस्टारिका तपाडुलके, थाईलैंड नमतन तानोड़े, मलेशिया गुलामेलाका, जापान कोकुतो, कन्नड़ बेल्ला, तमिल वेल्लम, तेलुगु बेल्लम, चिलियन पेरू कनकाका, मलयालम शर्करा, गुजराती गौड़, फिलिपिनो गुलई, इंग्लिश जैगरी, इंडोनेशिया गुलामेरा। क्या आपको पता है गुड़ कैसे बनता है? ताड़ या गन्ने के रस को दबाने और निकालने के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके गुड़ बनाया जाता है। यह 3 चरणीय प्रक्रिया है। पहला, निष्कर्षण। बैंत या ताड़ को दबाकर मीठा रस निकाला जाता है। दूसरा, स्पष्टीकरण। रस को बड़े कंटेनरों में रखा जाता है ताकि कोई तलछट तली में बैठ जाए। फिर इसे एक स्पष्ट तरल बनाने के लिए छान लिया जाता है। संकेंद्रण। रस को एक बहुत बड़े सपाट तल वाले पैन में रखा जाता है और उबाला जाता है। गुड़ एक प्राकृतिक क्लींजर है, जो आपके लीवर को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करता है। इसलिए यदि आप लीवर से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपको अपने आहार में गुड़ को शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। गुड़ में जूस की मात्रा के कारण परिष्कृत चीनी की तुलना में अधिक पोषक तत्व है। गुड़ चीनी बनाने की प्रक्रिया का एक पौष्टिक उप उत्पाद है, जिसे परिष्कृत चीनी बनाते समय आमतौर पर हटा दिया जाता है। यदि आप सफ़ेद चीनी के जगह गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व मिलेंगे। इस तरह यह एक स्वस्थ विकल्प है। दिन के अंत में गुड़ अभी भी चीनी है और इसे बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको गुड़ के बारे में कुछ बहुमूल्य और मीठी जानकारी मिली होगी। आपको बहुत प्यारे दिन की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्ण सियाराम।